अम्बाला के ठरवा गांव में तेंदुआ देखे जाने के बाद कई गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग व पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण तेंदुआ होने की पुष्टि कर रहे हैं, तो वहीं वन विभाग ने अभी तक तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं की। मुलाना के ठरवा गांव में रविवार शाम को तेंदुआ द्वारा 5 साल के बच्चे को गंभीर रूप से जख्मी किया गया। बाद में गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन्य विभाग की टीम ने गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, लेकिन तेंदुए के कोई निशान नहीं दिखाई दिए। हालांकि 5 साल का बच्चा दीपांशु जिस कूप के पीछे से मिला, वहां दीपांशु का खून काफी मात्रा में पड़ा मिला। वन्य विभाग द्वारा फिलहाल तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं की गई है। गांव का हर ग्रामीण तेंदुआ होने की बात को पुख्ता बता रहा है। बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार तेंदुए की वायरल वीडियो उनके गांव का ही है, जो कि गांव के ही युवाओं ने बनाई है। तेंदुए को उपलाना गांव के खेतों में देखने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद गांव एहतियातन बुनियादी भी करवाई गई है। ग्राम सरपंच मीनू रानी ने बताया कि गांव में तेंदुआ देखा गया है। बात करें तो घायल हुए बच्चे की, दीपांशु का उपचार PGI चंडीगढ़ में चल रहा है। फिलहाल तेंदुआ अभी तक दिखाई नहीं दिया है, जबकि वन विभाग की टीम तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस भी वन विभाग के साथ सर्च ऑपरेशन में सहयोग कर रही है। पुलिस का कहना है कि वन विभाग ने तेंदुए होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन गांव में दहशत है और सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, मैं मीनू देवी, सरपंच, वाइफ ऑफ प्रिंसिपल, गांव में कोई जंगली जानवर देखा जाने की बात चलती है और एक बच्चे को हेल्प किए जाने की सूचना है, तो इस मामले में क्या सच्चाई है? सर, ये बात पूरी सच्ची घटना है। कल शाम को सर 6 बजे उसको देखा गया यहाँ पे। एक छोटा बच्चा है 5 साल का, तो सर वो मतलब बाहर खेल ही रहा था सड़क पे, तो उस मतलब वो एकदम आया चित्ता और उस पर अटैक कर दिया बच्चे पे। बच्चे की तबीयत कैसे बताई जा रही है? सर, अब मतलब हालत में सुधार है। तब एकदम सर पहले नारायणगढ़ लेके गए उसको, फिर चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया, तो सर उसका ट्रीटमेंट हुआ, अब थोड़ा हालत में सुधार। ये मामला घटित होने के बाद आपने किसको सूचना दी सबसे पहले? पुलिस को सूचना दी गई है या संबंधित विभाग को सूचना दी गई है? हाँ जी सर, वाइल्ड विभाग को, संबंधित रेस्क्यू टीम को बताया गया सर, और पुलिस विभाग को। तो टीमें मौके पर पहुंची यहाँ पे? हाँ जी सर। तो सर्च अभियान कब तक चला, पूरी रात चला? सर हाँ जी, रात भी उसको मतलब डाकरे साइड हमारे खेत है वहाँ पर देखा गया था, और अब सुबह फिर ये सुगल साइड जंगल है सफेदे वाला सर वहाँ पे। अच्छा, आप गांव के कुछ ग्रुपों में मतलब कई वीडियो देखने में सामने आ रही हैं कि क्या वो सच्ची वीडियो है, उसमें दिखाई दे रहा है कि हाँ जी। इसका नाम क्या है, इसका जानवर ने घायल किया, तो क्या मामला है ये? मामला ऐसा है जी, यहाँ पे कल ऐसी वारदात हुई कि बच्चा चित्ता उठा के भाग गया जी, और की माँ के साथ साथ चल रहा था वो, और उसके बाद उसको घायल कर दिया जी बहुत ज़्यादा, उसको PGI रेफर कर दिया गया, और चित्ते की अभी तक कोई वा नहीं पता लगा जी कहाँ से इस टाइम चित्ता। बाकी देखा है चित्ता वो, जिस जो उसकी माँ थी उसने भी देखा, उससे पहले भी 2 दिन पहले एक लड़की ने देखा जी चित्ते को। बच्चे को कितनी चोट पहुंची है? बच्चे को तो काफ़ी चोट है जी, उसकी गर्दन पे यहाँ से बड़ा बुरा हाल हो रहा है गर्दन का, और हाथ भी खा रखा है, और सिर में भी चोट है उसके बच्चे के, स्थिति बहुत नाजुक है बच्चे की। तो इस बात की पुष्टि हो गई है जी चित्ता है या कोई और जानवर है? नहीं, इस बात की तो पुष्टि है जी चित्ता ही है जी। गाँव के लोगों ने देखा? गाँव के लोगों ने देखा, उसकी माँ ने देखा है जी, बाद में शाम को गाँव के लोगों ने भी देखा, उसकी वीडियो बना रखी है जी। तो प्रशासन के द्वारा कोई सर्च अभियान जारी है? सर्च अभियान जारी है जी प्रशासन के द्वारा, सारा रात तो सर्च अभियान चल रहा है जी प्रशासन का। गांव में कैसा माहौल है? गांव में तो बहुत ऐसा का माहौल है जी, बच्चे बुच्चे कोई नहीं बाहर निकलने दे रहे जी। कुछ पता चला जी जानवर का? नहीं, अभी ऐसा तो कोई पता नहीं चला जी। उसके बाद दोबारा नहीं देखने को मिला? दोबारा नहीं देखने को मिला, बाकी कुत्ते का सुना जी, कुत्ते खा लिए उसने 2। अच्छा, गाँव में कुत्ते कम होने की संख्या कम होने के भी? कुत्ते खा लिए उसने 2 कल शाम टाइम में, गांव ठरवा में जी। ना, गांव सुरगल से उठाए कुत्ते तो सुने जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो इस बच्चे के भी सुरगल गांव में ही घटना हुई इसके साथ? बच्चे सुरगल गांव के पास ही हुई है जी, बस वैसे एरिया सुरगल का ही पड़ा जी, वो 2012 वहीं से उठा के 500-600 गज की दूरी पे उठा के ले गए जी अंदर झाड़ियाँ वहाँ। वो तो गाँव के लोगों ने थोड़ा सा शोर मचा के उसको छुटवाया जी बच्चे। इस तरह मेरे भी प्रशासन के लोगों से कुछ बात नहीं, कोई वीडियो कोई नहीं जी। उसकी माँ ने भी देखा है बच्चे की, शाम को वीडियो भी बनाई जी एक लड़के ने। जो वीडियो वायरल हो रही है, जितनी भी वीडियो वायरल हो रही है यहाँ से, तो क्या वो गांव के लोगों ने बनाई है? जितनी का तो मुझे पता नहीं सर। देखो, एक वीडियो हमने देखी है, एक गाँव के लड़के ने बनाई हुई है वीडियो।
जो वो गाड़ी में बैठ के बनाई है जिसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सूचना मिली थी जी आपको? मैं महुआ खड़ी चौंकी से हूँ। हमें सूचना मिली थी कि एक बच्चे को कोई जानवर जो है उठाकर ले गया है, और उस सूचना पर हमने फॉरेस्ट को सूचना दी थी। वो फॉरेस्ट की टीम आई है, वो यहाँ पर सर्च अभियान उन्होंने चला रखा है। तेंदुआ दोबारा भी देखा गया है यहाँ पे? नहीं, दोबारा नहीं देखा गया, एक ही बार देखा है। गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन वो उसको सर्च कर रहे हैं अभी किस प्रकार का जानवर था, तेंदुआ था या उससे कोई और छोटा जानवर। तो कोई फरार मिला है कि उनको? उनको कुछ निशान मिले हैं उनके पाँव के, निशान के जानवर बताए जा रहे हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि तेंदुए के हैं ये, वो तो किसी कुत्ते के या किसी और जानवर के बता रहे हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं आँख से। आपका नाम? छत्रपाल, छत्रपाल नंबरदार, गांव सुरगल। ये यहाँ पे तेंदुआ देखे जाने की बात सामने आ रही है, क्या सच्चाई है इस मामले? सच्चाई ये है जी, जो बच्चा है उसकी माता जी ने हाय पुकार करी, और फिर हम अपनी शॉप के पास बैठे थे, हम गए डंडे लेके, जैसे आवाज़ अल्लाह वो मचा रही थी, ऐसे ही हमने कहा भाई पकड़ो पकड़ो, खा लिए खा लिए। समय की बात है ये? ये 6:15 की बात है। कल की? हाँ, कल शाम की, रविवार की जी। हाँ, रविवार की। तो महिला और उसका बच्चा साथ में थे? महिला के पास दो बच्चे थे, एक को तो गोद में ले रही, और उधर से आटा ले रही, थोड़ा आटा था अपना सिर के ऊपर, एक बच्चा गाड़ी गाड़ी था जी। वो गाड़ी वाला बच्चा उठा लिया। बच्चे कितनी उम्र थी उसकी? बच्चे की 4 और 5 साल के बीच जी। और उसने यहाँ से मतलब दूर से देखा ना, पीछे से उसके पीछे भागी जी, कोई 1 एकड़ के करीब, और उसके बाद उसने है पकार लगाई, दुआथर मारी मारते भी, मेरा भाई खा लिया भाई, बचाओ आओ बचाओ, मेरा बच्चा खा लिया। तो हम गए जी, फिर हमने सोचा कि कुछ सरप वगैरह होगा। कितने लोग गए आप? हम 4 लोग गए, एक मैं, एक मेरा भाई, एक ये रामेश्वर फतेहपुर का, एक लड़का और था रिजना का, बैठा थे हम। तो हमने चारों ने जाकर देखा, हमने कुछ नहीं दिखा, ना बच्चा ना वो, आगे जंगल है गए, वो जंगल में बढ़ गया जी। तो उसके बाद हमने मारे मत एक बोले अभी तो माता जी चुप हो जा, उसने चुप करी वा, क्योंकि है पकार कर रही थी, तो सारे साइलेंट है गए। उसके बाद हमने टींदे की आवाज आई, तो आगे जाकर देखा एक जो है ना गुहारा रखा, उसके खाली जगह थी, हमने लत फत खून मा, बच्चा वहां से मिला। बच्चे की हालत कैसी बताई जा रही है? बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी, बच्चा एक बार टींदे की करा, कोई आवाज नहीं थी, गुम था। तो उसके बाद यहाँ एक कार वाला आ रहा था मत्था टेकन, उसके साथ ही साथ हमने तौलिए मल पेट का लथपथ खून माते, और उसको डहरमली भेज दिया। इस समय बच्चे का उपचार कहाँ चल रहा है? बत्ती में जी। बच्चे के शरीर पर कहाँ कहाँ जख्म थे जी? गल में था जी, गले पर, गले में निशान था, और खून में लथपथ था। एक तौलिए मल पेट का उसकी कार में बिठा का, एक लड़का साथ में गया, और उसकी माता तभी भेज दी। 3-4 स्कूल पढ़ते हैं, दूसरा दूध दाद वगैरह सुबह से मतलब चल रहे हैं 24 घंटे, ये नहीं रुकता रहा। इससे पहले भी इस प्रकार का भी वाक्य ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसी घटना।